गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सुमन नरवाल फ्रॉम एसडीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल। टुडे वी स्टार्ट द टॉपिक बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर स्टार्ट द टॉपिक आई एम टेलिंग यू द पीपल हु हैव नो परमानेंट होम्स एंड कंटिन्यूसली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर कॉल्ड नोमैड्स। पहले अर्लियर टाइम में क्या होता था, लोग खेती बाड़ी के बारे में नहीं जानते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर फूड की तलाश में घूमते रहते थे और उन लोगों को हमने नाम दिया नोमैड्स। टिल अबाउट 10,000 बीसी पीपल वर नोमैडिक। 10,000 बीसी तक पीपल नोमैडिक थे, बट बाद में दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। दिस नोमैडिक पीपल एट रॉ मेटेरियल, इसके साथ साथ ये क्या खाते थे, रॉ मेटेरियल एंड वेजिटेबल्स फाउंड इन नेचर एंड स्टार्ट हंटिंग एनिमल फॉर फूड। बट लेटर दे सेटल नियर द सोर्सेज ऑफ वॉटर, लेकिन बाद में ये सेटल हो गए कहाँ पर, इन द सोर्सेज ऑफ वॉटर सच एज रिवर एंड कल्टिवेटेड लैंड टू प्रोड्यूस व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। बिकॉज दिस इज हाउ एग्रीकल्चर वॉज बोर्न, और इससे ही एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। तो द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स इन द फील्ड फॉर ऑब्टेनिंग फूड इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, यानी जो भी प्लांट्स हम उगाते हैं फील्ड में किस पर्पज के लिए, फॉर ऑब्टेनिंग फूड इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज आल्सो कॉल्ड कृषि इन हिंदी। यू नो द वेरियस टास्क परफॉर्म बाई फार्मर टू प्रोड्यूस ए गुड क्रॉप आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इसके बाद जो भिन्न भिन्न कार्य परफॉर्म किए गए ताकि हम एक अच्छी फसल का उत्पादन कर सके, वो के उसको नाम दिया गया एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो नाउ वी रीड वन बाय वन दिस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। टूडे वी रीड अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ सोयल। अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सोयल, जो अपर मोस्ट लेयर है अर्थ की उसको हम क्या कहेंगे, सोयल। द क्रॉप प्लांट आर ग्रोन इन द सोयल, सोयल प्रोवाइड मिनरल वॉटर एयर ह्यूमस एंड केरोल फिक्सिंग फर्मली। जो सोयल है वो क्या प्रोवाइड करती है, मिनरल वॉटर एयर ह्यूमस एंड एनकोरेज मीन्स फिक्सिंग, फिक्स करके रखती है, रूट जो होती है उनको फिक्स करके रखती है टू द प्लांट्स। प्रिपरेशन ऑफ सोयल इज द फर्स्ट स्टेप इन कल्टिवेशन, जो प्रिपरेशन ऑफ सोयल है वो सबसे पहला स्टेप है इन कल्टिवेशन ऑफ सोयल में फॉर फूड प्रोडक्शन। जो सोयल होती है इज प्रिपेयर्ड फॉर सोविंग द सीड ऑफ द क्रॉप बाय, किसके थ्रू की जाती है, बाय प्लगिंग लेवलिंग एंड मैन्योरिंग। अब क्या जो प्रोसेस लूजनिंग एंड टर्निंग द सोयल क्या किया जाता है, इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो सोयल होती है उसको लूज किया जाता है और उसको टर्न प्लट दिया जाता है, इज कॉल्ड प्लगिंग। इसको हमने क्या नाम दिया, प्लगिंग, और यू कैन से टीलिंग। प्लगिंग जो होती है ऑफ फील्ड इज डन बाय यूजिंग एन इम्प्लीमेंट, एक इम्प्लीमेंट के थ्रू की जाती है जिसको हम बोलते हैं प्लग। प्लग्स आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन, वुड के भी बने होते हैं और आयरन के भी बने होते हैं, एंड दे हैव आयरन टिप फॉर इजी पेंट्रेशन इन टू द सोयल। जो प्लग होते हैं पुल्ड बाय ए पेयर ऑफ बुलोक्स और बाय ए पेयर ऑफ ट्रैक्टर। अंडरस्टैंड, नाउ वी रीड अबाउट द लूजनिंग ऑफ सोयल बाय प्लगिंग इज बेनिफिशियल ड्यू टू द वेरियस रीजन। नंबर वन, द लूज सोयल अलाउ द प्लांट रूट्स टू पेनिट्रेट फ्रीली एंड डीपर इन टू द सोयल, सो द प्लांट्स आर हेल्ड मोर फर्मली टू द ग्राउंड। यानी जो लूज सोयल होती है वो क्या करती है, प्लांट्स रूट को गहराई तक लेकर जाती है, जिसकी वजह से जो होता है प्लांट्स होता है ग्राउंड के साथ हेल्ड कर लिया जाता है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है, द लूज सोयल अलाउ द रूट्स ऑफ प्लांट टू ब्रीथ इजली, दिस इज बिकॉज लूज सोयल कैन होल्ड ए लोट ऑफ एयर इन इट स्पेसिस। जो लूज सॉइल होती है वो क्या करती है कि रूट्स, जिसके थ्रू रूट्स जो होती हैं प्लांट्स की वो इजिली ब्रीथ कर सकती हैं, क्योंकि जो लूज सॉइल उनको काफी जो स्पेस और होल्ड ए लॉट ऑफ एयर इन इट्स स्पेसेस, इसके जो स्पेसेस होते हैं उनके बीच में काफी एयर फिल होती है। नेक्स्ट, लूज सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ वर्म्स एंड माइक्रोवेव प्रेजेंट इन द सॉइल हु आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर। इसके साथ साथ जो लूज सोयल होती है कुछ वॉर्म्स, कीड़े और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करती है, सूक्ष्म जीवों को उत्पन्न करती है, जो कि इससे इसकी वजह से बाहर आ जाते हैं और वो क्या होते हैं, दे आर द फ्रेंड ऑफ द फार्मर, सिंस दे हेल्प, किसमें हेल्प करते हैं, इन फर्दर टर्निंग एंड लूजनिंग द सोयल। नेक्स्ट है, प्लगिंग आल्सो अप्रूट्स द एंड ब्राइज द वीड्स। इसके साथ साथ जो कुछ वीड्स होते हैं सॉइल में उनको क्या करती है, प्लगिंग अप्रूट्स कर देती है इन द फील्ड एंड देयर बाय स्पोकेट्स देम टू डेथ। नेक्स्ट पॉइंट, द लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल ड्यूरिंग प्लगिंग
ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सोयल, इसके साथ साथ जो भूमि के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ऊपर लेकर आती है टिप ऑफ द सोयल दैट द प्लांट कैन यूज दिस, ताकि जो प्लांट है उन न्यूट्रिएंट्स का यूज कर सके। अब जो प्लग सोयल होती है वो कैसी होती है, क्वाइट लूज होती है, सो इट लाइबल टू बी कैरिड अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड और वॉश्ड अवे बाय रेन वॉटर, यानी इसको जो तेज हवाओं के साथ ने साथ ले जाया जा सकता है और पानी के साथ बहा लिया जा सकता है। तो रिमूवल ऑफ टॉप सोयल बाय विंड एंड वॉटर इज कॉल्ड सोयल इरोजन, या जो ऊपर जो टॉप सोयल जो रिमूव कर दी जाती है बाय विंड और वॉटर के थ्रू, इसको हम क्या बोलते हैं, सोयल इरोजन। द प्लग सोयल इज लेवल्ड बाय प्रेसिंग, इसके बाद जो सेकेंड होगी प्रोसेस दिस इज कॉल्ड लेवलिंग। तो अब हम क्या करेंगे, जो प्लग सोयल होगी इज लेवल्ड बाय प्रेसिंग इट विद ए वुडन लेवलर, एक वुडन लेवलर के थ्रू हम क्या करेंगे, सोयल को प्रेस कर देते हैं, एंड आयरन लेवलर और यू कैन आयरन लेवलर के भी थ्रू कर सकते हो, सो दैट द टॉप सोयल इज नॉट ब्लोन अवे बाय विंड, इसलिए जो टॉप सोयल होती है वो हवा के थ्रू ब्लोन नहीं होती है, ऑब्टेंड ऑफ बाय वाटर और पानी के थ्रू बहाई नहीं जा सकती है। ओके, द लेवलिंग ऑफ प्लग सोयल इज बेनिफिशियल बिकॉज फर्स्ट वन द लेवलिंग ऑफ प्लग फील्ड बाई प्रिवेंट द टॉप फर्टाइल सोयल फ्रॉम बींग कैरिड अवे, एक तो फर्स्ट वन यही है कि ये किससे बचाती है, इस सोयल को सोयल इरोजन होने से बचाती है। सेकेंड वन है जो लेवलिंग ऑफ प्लग फील्ड हेल्प इन द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉटर, यानी जब भी आप पानी देते हो प्लग के फील्ड में एक उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है ड्यूरिंग इरीगेशन सिंचाई के दौरान। नंबर थर्ड, द लेवलिंग हेल्प इन प्रिवेंटिंग द लूज ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द प्लग सोयल, यानी कि जो मॉइस्चर होती है उसको प्रिवेंट करके रखती है, मॉइस्चर को लॉस नहीं होने देती है। द लेवलिंग ऑफ प्लग सोयल इन द फील्ड इज डन बाय यूजिंग एन इम्प्लीमेंट कॉल्ड लेवलर, और जिस इम्प्लीमेंट के थ्रू इसको किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, लेवलर। द सोयल लेवलर इज हैवी वुडन प्लैंक और यू कैन से आयरन प्लैंक। नेक्स्ट है मैन्यूरिंग, मैन्यूरिंग मीन्स एडिंग मैन्योर टू द सोयल, मैन्यूरिंग क्या होती है, यानी कि मैन्योर को एड करना। समटाइम मैन्योर इज एडेड टू द सोयल बिफोर प्लगिंग, क्या करते हैं हम कुछ मैन्योर को जो है प्लगिंग से पहले ही एड कर देते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि एडिशन ऑफ मैन्योर टू सोयल बिफोर प्लगिंग हेल्प इन द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सोयल। मैन्योर क्या होता है, फर्स्ट ट्रांसपोर्टेड टू द फील्ड, इट इज देन सेपरेट आउट इन द फील्ड। When this field is plugged, the manure gets mixed in the soil properly. Okay, manure जो है contain करते हैं many nutrients required for growth of the crop. जो manures होते हैं उनको क्यों mix किया जाता है, because they contain many nutrients which are required for the growth of crop. Manuring is done, इसके साथ साथ जो manuring होती है वो क्या करती है, fertility को भी increase करती है before seeds are sown into it. सीड को उगाने से पहले जो सोयल की फर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है ड्यू टू द मैन्योर। अंडरस्टैंड, तो ये तो थी फर्स्ट प्रोसेस, वी रीड अबाउट दिस, अबाउट एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स वी रीड इन नेक्स्ट वीडियो।